द गिफ्ट शॉप गाय द प्रयागराज गाय डॉक्टर साहब दीज आर द स्टीम यार हाँ पर्ची तो रखी है। हाँ अरे भाई ने मुझे लगता है ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर्ची गिरी है, पर्ची गिर गई, वो रही नीचे नीचे वो रही। हाँ कर लिया ब्रेकफास्ट और ये रहा हमारे सारे भाई लोग, अभी दिखेंगे आपको सामने खड़े हुए। आज बस इतने ही लोग थे, पांच लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। एक पीछे आ रहे भैया, मेरे सी वी आर ट्रैम्प बूसा बीएमवी और रॉयल एनफील्ड। आज का हमारा लाइनअप यही है बाइक्स का, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी ग्रुप के लिए। तो एक चीज़ के बारे में बात बताऊंगा, यहाँ पे जब ये टोल जेवर पे कटाओ यार, मेरे को ये पता नहीं था, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सब ग्रुप में राइड करते हैं तो एक कोई सबका ले लेता है। टोल की बात कर रहा हूँ मैं, पर यहाँ पे जब मैं घुसा तो भाई साहब वो तो कैश मांग रहे थे, और कैश लेके आजकल कोई ट्रेवल करता नहीं है। और मैंने कहा भीम UPI पेटीएम कुछ तो ले लो, वो कुछ भी लेने को तैयार नहीं थे। बोल रहे थे कि पास के उसमें पेट्रोल पंप पे चले जाओ और वहाँ से जो है कैश ले आओ। इतनी देर में एक भले मानुष पीछे आ गए थे और उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको मैंने UPI कर दिया और उनके पास कैश था, तो इससे बड़ी हेल्प हो गई। पर आप लोगों की जानकारी के लिए, टोल वगैरह पे जब भी चलो, गाड़ी पे नहीं, गाड़ी पे तो फास्टैग रहता है, पर बाइक्स पे जब भी चल रहे भैया कैश ही रख लो, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है, इट्स नॉट हर जगह नहीं होता ये। पर यहाँ पे पता नहीं, लास्ट टाइम मेरे को याद है कि पेटीएम ले लिया था, पर अब की बार तो लिया ही नहीं पेटीएम भाई ने। वैसे आज काफ़ी, जैसे संडे है, संडे काफ़ी भीड़ थी, जब सुबह गए तो मुझे लगा भीड़ नहीं होगी, बट काफ़ी और ग्रुप्स आ गए थे उधर फिर बाद में। और फिर भैया लोग जब पार्किंग करते हैं उसमें भी अलग संकट हो जाता है, पीछे और लगा दी 5-6 बाइकें और फिर उन्हें हटाओ निकालो। एक तो ये खुद ही 200 किलो का आती है भाई, इसे इतनी जल्दी हिलाना तो पॉसिबल नहीं होता, तो जैसे तैसे करके निकाल ही लिया। भाई लोग थे तो हेल्प हो गई, उन्होंने हेल्प कर दी। अकेले जाओ तो ये अंदर की तरफ पार्किंग मत करो, स्टारबक्स के आगे पहले ही कर लो पार्किंग में। पीछे लगाने की दिक्कत बस यही है कि लोग फिर फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए बाइक को छेड़ते हैं, बैठ जाते हैं, स्टैंड हटा देते हैं और फिर उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी भारी है, और फिर उस हिसाब से फिर मैनेज नहीं हो पाता है। तो आज का मोटो ब्लॉग इतना ही रहेगा, थोड़ा और देखते हैं, अगर मैं
हायाबुसा को चेस करने की कोशिश करता हूँ, बट कोहरा है तो शायद ना करूँ। अगर ओपन साइट होती तो आई कुड हैव डन इट, बट इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। सो राइड सेंसिबली गाइस, जब भी चलो तो दिमाग लगा के ही राइड करनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है शोबाजी करने की। आपके पास 1000 cc है, पता है, तो क्या ज़रूरत है, आपको तो पता ही है ताकत का। आप लोग देख ही रहे हो कितना डेंस फॉग है, इसलिए इतना तेज़ नहीं राइड करेंगे। जो नॉर्मल स्पीड है वो मेंटेन करेंगे ताकि ट्रैफिक इम्पीड ना करें। देखो जैसे टैंकर आया है सामने, बिल्कुल नज़र ही नहीं आया था, आप दिख रहा है। और ये देखो ये रेड ब्लॉकर लगा रहे हैं क्योंकि ये पानी दे रहे हैं पौधों में। सो थिंग्स टू नोट व्हाइल यू आर राइडिंग। घर तक का 1 घंटा दिखा रहा है और देखते हैं। बाकी आप लोग सीमिक व्यू एंजॉय करिएगा, रील्स एंजॉय करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को टेमिंग ओडिन, ओडिंग हमारी बाइक का नाम है। टेमिंग का मतलब इस बीस्ट को कंट्रोल करने की जो मेरी जद्दोजहद है, इसलिए उसका नाम टेमिंग दिया है। क्योंकि वैसे तो बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, एज यूजुअल आप जाते हो इनलाइन फोर जापानीज बाइक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। You just need to learn how to control them. खैर सुपर बाइक की जितनी स्पीड होती है उतनी अच्छी ब्रेकिंग भी होती है, विद ऑल द ABS एंड इंजन ब्रेकिंग एंड द ब्रेक्स। सो कभी आप लोग कमेंट करना, कभी आपको डिटेल व्यू चाहिए होगा मेरी बाइक का तो मैं दूंगा। मैंने स्टॉक ही रखी है, आजकल बहुत ही ज़्यादा सख्ती है तो मेरे को नहीं लगता इतना इन्वेस्ट करना जस्ट फॉर द शो। और मेरे को चलाने में मज़ा आता है, द राइड, द फ्रीडम दैट इट गिव्स, जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है राधा देन द शो ऑफ। और जब यह 5,500-6,000 RPM के ऊपर जाती है तो वैसे में भी वही साउंड आता है जो नॉर्मल एग्जॉस्ट से आता है। देखिए आगे ट्रैफिक में कोई अपना बंदा हो सकता है, मेरे को उसके ब्लिंकर नजर आ रहे हैं। आगे एक फैमिली, देखिए यहाँ निकलना पड़ेगा। ये हमारी भूसा नहीं थी, किसी और के भूसा थी। यार भूसा को तो चेस कर ही लिया, अपनी नहीं तो किसी और के थे। हमारे ग्रुप वाले कुछ रॉकेट ही हैं। चलिए अब मैं राइड एंजॉय करता हूँ और आप लोगों से देखता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ये देखिए लोड कैसे क्रॉस करते हैं लोग, यही खतरा है, यही प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करते हैं आज की राइड या आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये आ गए एंड की तरफ हम लोग और यह है सावेरी एरिया, थोड़ा कंजेस्टेड है, ट्रैफिक होगा,
और प्यार दिखाइएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए दिल से प्रयागी परिवार से। और भी प्रयागी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि वो शेयर करें और आपस में, आपका एक भाई मेहनत कर रहा है तो उसे सपोर्ट करिए। और बाकी उम्मीद है कि ऐसे नई नई चीज़ें हम करते रहेंगे। मैं डेली राइड ब्लॉग्स तो नहीं डालूंगा बिकॉज अपने चैनल वो है नहीं, इट्स मोर अबाउट ट्रैवल। सो पर अगर आपको कभी बाइकर्स का इनसाइड व्यू चाहिए हो कि क्या होता है हम लोग की मीटिंग्स में, ब्रेकफास्ट में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि जब हम लोग बैठते हैं तब व्लॉग शूट करें और आपस में जो बातचीतें होती हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन होता है। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, बाइकिंग के रिलेटेड, नए प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, बहुत ही डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है। सो काफ़ी बड़ी और वाइब्रेंट हम लोग की कम्युनिटी है और हर तरीके के लोग हैं, तो हर तरीके का नॉलेज गेन भी होता है साथ बैठ के। इसलिए ये भी एक मौका होता है जुड़ने का लोगों से और संडे बिताने का, फॉर कम्युनिटी आउटरीच, जहां हम लोग आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ नई बातें जानते हैं। जैसे लोगों को मेरा ये नेविगेटर बहुत पसंद आया। सो जुड़िएगा ज़रूर। सिनेमैटिक्स और 360 शॉट्स जो हैं वो एंजॉय करने के लिए आप हमारा चैनल टेमिंग ओडन और दिल से प्रयागी ऑन यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। दिल से प्रयागी, याद रखिएगा, कोई भी स्पेस नहीं है, इट्स ओनली दिल से प्रयागी, एक साथ ही। सो देखते हैं, अब घर की तरफ हैं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। होपफुली आपको कुछ अलग मिला हो इसमें। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। एंड हाँ, जाने से पहले मोदी जी कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनकी बात पे भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।